हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्प्लैश स्टोर में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑडिबल सुनो ऐप के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं हाउ टू यूज़ ऑडिबल सुनो ऐप। तो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है ऑडिबल सुनो। तो जैसे ही आप ऑडिबल सोनो टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहला आइकन आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सोनो लिखा हुआ है और कंपनी का नाम है ऑडिबल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐप के अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं और यहाँ पे ऐप के 1 मिलियन के अराउंड आपके डाउनलोड्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, इस ऐप को चलिए हम इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं इसको आगे कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, ऐप अब इंस्टॉल हो चुका है और सबसे लास्ट में आप आइकन देख रहे हैं सोनो ऐप का और उसके नीचे लिखा हुआ है ऑडिबल। आप उसको क्लिक करेंगे तो ये ऐप लॉन्च हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ऐप जैसे ही लॉन्च होगा तो ये आपको इस स्क्रीन पे लाएगा। यहाँ पे आपको नीचे काफ़ी बड़े ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट लिसनिंग फॉर फ्री, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब आप आ जाएंगे ऐप के मेन होम पेज पे और यहाँ पे आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आप नीचे बहुत सारी कैटेगरीज देख रहे हैं जिनका आपको ऑडियो सुनने को मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और आप इनमें से कोई भी ऑप्शन में जा सकते हैं और उसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको उसकी ऑडियो जो फाइल्स हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगी जिसको आप ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहा हूँ चाणक्य की नीति बाय आचार्य चाणक्य। मैं उस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे चाणक्य की नीति की जितनी भी फाइल्स हैं, जो ऑडियो फाइल्स हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी ऑडियो फाइल्स हैं और यहाँ पे मैं इनमें से कोई भी ऑडियो फाइल्स को प्ले कर सकता हूँ और इनको सुन सकता हूँ। सपोज़ करिए मैं एक फ़र्स्ट ऑडियो फाइल में सैम्पल जो आपको दिखाई दे रहा है मैं उसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मुझे चाणक्य नीति का एपिसोड 1 दिखाई दे रहा है रिटन बाय चाणक्य आचार्य सीरीज़ चाणक्य नीति। लेंथ जो है वो 11 मिनट्स की है, रिलीज डेट जो है वो 10/9/19 है, लैंग्वेज हिंदी है, पब्लिशर ऑडिबल स्टूडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपली प्ले करना है, प्ले जो आपको बटन दिखाई दे रही है आप उसको प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑडियो जो है वो प्ले होने लगेगा। और यहाँ पे आपको नीचे देख रहे हैं सीरीज़ के जो फर्स्ट आपका जो पार्ट है उसके बाद के पार्ट भी आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे हैं। आप व्यू ऑल में जाएंगे तो यहाँ पे आप एक साथ फिर सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं जैसा कि हमने फर्स्ट पेज में देखा था। और जो पार्ट्स इसमें जो नहीं आ रहे हैं इस फुल स्क्रीन में, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप एरो का साइन देख रहे हैं पेज 1 ऑफ पेज 2 के बाजू में जो है वहाँ पे आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पेज 2 में चले जाएंगे और आगे के भी जो इसमें सीरीज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी को या इस चाणक्य नीति के जो ऑडियोज़ हैं अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से ये आपको ऑप्शन दे रहा है शेयरिंग के, जितने भी ऐप्स पे ये शेयरिंग के ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आपको किसी भी एक ऑडियो फाइल के आप ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप प्लेयर के स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑडियो प्ले करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे स्पीड दे रहा है। अभी यहाँ पे आपको अगर इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में सबसे नीचे आप स्पीड देख रहे हैं 1.00x है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप स्पीड जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने ऑडियो की, जिस भी स्पीड में आपको सुनना है इस ऑडियो को। फिर उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे चैप्टर्स दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में ऑप्शन है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तभी आप कौन सा चैप्टर देख रहे हैं वो या सुन रहे हैं, सॉरी जो सुन रहे हैं आपको वो चैप्टर्स यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। फिर उसके बाद आपको स्लीप टाइमर अगर लगाना है, जैसे कि रात को आप या रात को या दिन में जब भी आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि 10 मिनट बाद ये ऐप जो है वो अपने आप बंद हो जाए या ये ऑडियो जो है वो अपने आप बंद हो जाए, तो आप इस पर सिंपली यहाँ पर आप टाइमर को सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया है तो आप इस ऑडियो को यहाँ पे बुकमार्क भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो ये बुकमार्क सेव्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये अब बुकमार्क जो है वो सेव हो चुका है। यहाँ पे फिर ऊपर आप फ्रेंड्स देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ऊपर 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर पे, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू बुकमार्क्स अगर आपको देखना है कि आपने कौन कौन से ऑडियोज़ को बुकमार्क किया है तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे अध्याय जो चाणक्य का जो पहला अध्याय है उसको बुकमार्क किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो बुकमार्क्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर फ्रेंड्स बटन फ्री एक ऑप्शन आपको सेकंड दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑडियो अगर जो आपका प्लेयर
लेयर जो आपको सामने भी दिखाई दे रहा था, जो इंटरफेस है वहाँ पे आपको रिवाइंड करने के लिए और बैक जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे रहा था, बट अगर आपको बटन से वो एक्शंस परफॉर्म नहीं करने हैं तो आपका यहाँ पे ऑडियो चलता रहेगा। आपको सिंपली स्वाइप करना है जैसा कि एरो दिया हुआ है, मीन्स आपको अपनी फिंगर से अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अगर आप बैक साइड अगर आप ड्रैग करते हैं अपने हैंड को तो या आपका जो ऑडियो है वो 30 सेकेंड्स बैक चला जाएगा, और अगर आप सामने की तरफ अगर आप उसको स्वाइप करते हैं तो वो आपका ऑडियो जो है वो आगे 30 सेकेंड्स प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऊपर एक सर्च का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे अगर आप इस जो भी यहाँ पे इस ऐप में जो कलेक्शन है ऑडियोज़ का अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी टर्म्स को अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पर वो आपको सर्च ऑप्शन में दिखा देगा। सपोज़ करिए मैं अभी जैसे ही चाणक्य यहाँ पे टाइप करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चाणक्य से रिलेटेड जितनी भी ऑडियो फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इस वे में आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऊपर जो 3 लाइंस जो दिखाई दे रही हैं जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक होम स्क्रीन पर जाने का है, दूसरा हेल्प एंड सपोर्ट है। तो अगर आपको इस ऐप से रिलेटेड कोई भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए है तो यहाँ पर आपको कंपनी वो प्रोवाइड करेगी, तो आपको 2nd ऑप्शन पर सिंपली जाके क्लिक करना है और यहाँ से आप हेल्प एंड सपोर्ट के स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे FAQs हैं, तो आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों का यूज़ करके जितने भी ऑप्शंस हैं इनका यूज़ करके अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस ऐप से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट कंपनी को अपनी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे ये ऑडियो सुनने वालों के लिए बहुत ही अच्छी ऐप है, और इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपकी इन सारे एक्शंस को जो भी ऐप चलाने में जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं उन सारे एक्शंस को काफ़ी इजी कर देता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये ऐप आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।